लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने की बिना पर निपटा दी। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ्तार न करने का बयान दे दिया। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन और रफाकत अली गोंडल ने मुकदमात की समाअत की। जहांगीर तरीन और अली तरीन अदालत में पेश हुए। FIA के तफ्तीशी ने दोनों अदालतों में बयान दिया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं, अभी रिकॉर्ड का जायज़ा ले रहे हैं। जहांगीर तरीन के वकला ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड्स FIA के पास हैं, लिहाजा गिरफ्तारी की ज़रूरत भी नहीं। मुलजमान के वकला ने जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने हदायत की कि किसी भी तादीबी कार्रवाई से 7 रोज़ पहले FIA अदालत और जहांगीर तरीन को आगाह करें। जहांगीर तरीन की पेशी के मौका पर अरकीन असम्बली भी इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुँचे।